मैं कभी कभी इस बात को लेकर थोड़ा सा मैं सोचता हूं कि बीजेपी वालों को मेरी बात इतनी चुभती क्यों है, या संघ को मेरी बात इतनी चुभती क्यों है, इसलिए आप बोलते हैं सिर्फ उन्हीं को इसलिए चुभती है। हाँ, इसलिए चुभती है, सुधांशु त्रिवेदी को मेरी बात इसलिए चुभती है क्योंकि वो दलित को हिंदू नहीं मानते और मुसलमान को भारतीय नहीं मानते। कठुआ के अंदर धार्मिक स्थल के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, इनकी पार्टी के नेता वहां पे सड़कों पर आकर के साथ खड़े होते हैं, और न केवल खड़े होते हैं बल्कि बीजेपी उनको प्रदेश का अध्यक्ष बना देती है। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर और ऐसी पार्टी के ऊपर। क्या आप कैसे ऐसा काम कर सकते हैं? जो आदमी जम्मू के अंदर आरोपियों के साथ खड़ा हो, लड़की के साथ ना खड़ा हो, उसको आप आगे चल के पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। सुधांशु जी, थोड़ा सा कम से कम आप आईने में अपना चेहरा देख लिया करिए। और आप हाथरस की बात करते हैं, हाथरस में आपकी पार्टी जो है उसको जो है ऑनर किलिंग बनाने में लगी हुई है। क्या वो लड़की अगर अगर किसी असवर्ण जाति से होती तो आपका रिएक्शन क्या होता? और जब दादरी में हुआ तो आपके पार्टी के लोग फोटो खिंचाते आरोपियों के साथ, शर्म आनी चाहिए कम से कम। मुझे लगता है उन नेताओं के ऊपर जो वहां जाके फोटो खिंचा रहे थे, और आपके मिनिस्टर साहब जाके आजीवन कारावास पाने वालों को माला फूल पहुंचाते, क्या वो भारतीय नहीं थे? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनका सम्मान नहीं था? क्या उनके परिवार वाले नहीं थे? आपका खून तब खौलता है जब आपको लगता है कि कोई किसी पंडित के बारे में बात। अरे भाई, मेरे लिए पंडित हो, दलित हो, कायस्थ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, सब इस मुल्क के हैं, सब हिंदू हैं। किसी के पास अत्याचार हो आपका खून खौलना चाहिए क्योंकि आप सत्ता में हैं। लेकिन आपको वेटिकन कभी नजर आता है? कभी आपको अरब नजर आता? आपको तेजस्वी सूर्या नजर नहीं आता जब प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा और भारत के रिश्ते खराब हो रहे थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ? आप तेजस्वी सूर्या को उसके बाद प्रमोट करके आप उसको यूथ बीजेपी का अध्यक्ष बना देते। आपकी पार्टी तो गजब है, महान है आपकी पार्टी। बोलिए सुधांशु जी, जवाब दीजिए। सुधांशु जी जवाब दे दें, उसके बाद संगीत रागी आपके पास आता है। सुधांशु जी पहले जवाब दे दें क्योंकि उनका सीधा सवाल है। सुधांशु, कर्नाटक के अंदर महात्मा गांधी के खिलाफ उल्टी सीधी बात की आपने, उस कातिल को जो है आपने, कातिल उनका नाम है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपने कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया था और आप यहाँ खड़े होकर ज्ञान दे रहे। ओके, बोले सुधांशु जवाब दीजिए, फिर संगीत जी। अरे तो मैं बता दूं, कातिल नाम नहीं है, उनका नाम नरेंद्र कुमार कतिल है। आशुतोष जी, आपको बड़ा आक्रोश आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बात, मैं आशुतोष जी, आपको बड़ा आक्रोश आ गया। उनका नाम कतिल है, उन्होंने गांधी के बारे में गलत टिप्पणी की। अरे सुन लीजिए, अब आप बहुत बोल रही है भाई, अब हमें बोल रही है टिप्पणी की आपने, प्रमोट कर दिया आप जिस कठुआ को लेकर आप नारा लगा रहे हैं उसमें एक लड़के को आपने फांसी चढ़वा दिया था जो उस जगह था ही नहीं। अगर आपको याद ना हो तो याद दिला देता हूं सर, वो परीक्षा देने गया हुआ था, आपने फांसी चढ़ा दिया था ट्विटर पर उसको। ठीक सर, ओके, अब वो सुधांशु जवाब देंगे उसका। लेकिन मेरा कहना ये कि अगर आप मीडिया ट्रायल के खिलाफ हैं तो आप भी यहाँ बैठ के जजमेंट नहीं सुनाएंगे किसी मामले में। आप जज नहीं है, आप भी जजमेंट नहीं सुनाएंगे किसी मामले में, क्योंकि आपने तो फांसी चढ़ा दिया था एक बच्चे को जो पेपर देने गया हुआ था कठुआ में भी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भाई, इनकी पार्टी की नैतिकता कहां? अरे भाई, क्या जवाब दे रहे हैं आशुतोष जी आप? तो अरे सुन लीजिए ना आशुतोष जी, आप बड़े प्रभुत्व पत्रकार रहे हैं, आप क्या सब कुछ भूल गए? अरे मोदी जी की मोटी मोटी चाहते हैं तब मुझे आप फिर लगातार बोल रहे हैं, क्या तरीका आशुतोष जी? आप बोल लिया हो तो वो बोले, आपने बोल लिया, मेरी बात सुनिए। ये मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा इमरान मसूद, उसके लिए चुनाव प्रचार करने अगले दिन गए राहुल गांधी, वो कांग्रेस में नहीं था, फिर कांग्रेस में लाए, सम्मानित प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, और भारत के इतिहास में पहली बार प्लेन हाईजैक करने वाले लोगों को 1978 में जिन्होंने कहा उनको लाकर बहुत अच्छा प्रायोजित करके जो कुकर कांग्रेस पार्टी करेगी तब वही कुकर नहीं आया। बोल चुके आशुतोष जी, आप जब बोल रहे थे वो सुनते रहे तो आप भी कम से कम इतने सहिष्णु तो बनिए सर, दुनिया भर को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं सर, थोड़े आप भी सहिष्णु बनिए आशुतोष जी। आशुतोष जी आप तो ये क्या कर रहे हैं? आप बोल रहे थे वो सुनते रहे, केवल इंतजार करते रहे। बोले सुधांशु, पूरा की बात कर रहे हैं, इसी हाथरस के बगल में 2016 में अरुण बहोर आगरा में मारा गया था, वह दलित नहीं था क्योंकि वह गोरक्षक था। पानू महतो की लाश लटकी हुई मिलती है पश्चिम बंगाल में पेड़ पे, वह दलित नहीं नजर आता क्योंकि वह भाजपा का है। प्रशांत पुजारी कर्नाटक में मार दिया जाता है, वह दलित नजर नहीं आता क्योंकि वह भाजपा का है। और तो और,
एल्ड्रिन जोसेफ मार दिया जाता है केरल में, वो क्रिश्चियन दलित है, वो भी नहीं नजर आता क्योंकि वो मुस्लिम उग्रवादियों के द्वारा मारा गया। गजब की दलित रही है, हम नहीं कैटेगराइज करते। अब रही बात आपकी, आपने कहा कि आप जो बलात्कार के साथ खड़े होते हैं, मेरी बात सुनिए, जवाब दीजिए। अब आप सुनिए, एक राष्ट्रीय पार्टी को सत्ता में हुई पार्टी को सौभा देता है नहीं देता, भारतीय की संवैधानिक और अटलियारी बात की बीजेपी होती तो शायद समाजवाद में निकाल देते। बताइए नहीं बीजेपी है, न्यू बीजेपी समाजवाद में लगातार जाते क्या तरीका खोजिए आप कर रहे हैं भाई। आज आपको क्या हो गया, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हम मानते हैं आप मेरे सवाल के जवाब, हम मानते हैं मुस्लिम, फिर बोल रहे हैं आप लगातार, वाक्य तो पूरा होने दीजिए। हम मुस्लिमों को मानते हैं अपना, कौन हमारे लिए? अब्दुल रहीम खान खाना, शेख इब्राहिम रसखान, इब्राहिम अफजल, वो जो जिन्होंने बड़े कवि थे, नाम तक याद, सुनिए आलम शेख, अरे सुनिए आलम शेख, कभी कोई गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के यहां, कभी कोई गया पहले शहीद होने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे, कभी कोई गया बताइए, कोई वीर अब्दुल हमीद की शहादत के 85 वर्षगांठ पे गया? कोई नहीं गया। धारा सिंह की जयंती कोई मनाता है? कोई नहीं मनाता। हम मुस्लिमों की इस महान परंपरा को मानते हैं, बाबर, तुगलक, औरंगजेब, जिन्ना, इसरा जहां, याकूब मेमन, जाकिर नाय, आप इसको मानते हैं और इस मुसलमान को हम बिल्कुल नहीं देश का मानते। हम उनको मानते हैं जो डॉक्टर कलाम के साथ खड़े हैं, जो डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में जाते, जो याकूब मेनन के नमाज जनाजा में जाते, उसे हम नहीं मानते। और अफसोस कि आप सिर्फ उसी में जाते हैं, अफसोस कि आप अफजल हमारा कहते हैं, अफसोस आप याकूब मेनन को कहते हैं, आपको जाकिर में नायक में मसीहा नजर आता है, हाफिज में साहब नजर आता है, ओसामा में जी नजर आता है, इशरत में बेटी नजर आती है, मगर पहली शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का घर नजर नहीं आता, ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे एक सेकंड का सुरमा नहीं गया आज तक। ओके, मुझे जवाब चाहिए इस बात का कि क्यों नहीं जाते आप वहां पर। इसलिए मुस्लिमों से कोई द्वेष नहीं है, मुस्लिमों की वो फंडामेंटलिस्ट सोच जिसे आप अपने राजनीतिक कारण से आगे बढ़ाते हैं, हमें उससे द्वेष। ठीक, आशुतोष जवाब देना चाहते हैं, लेकिन आशुतोष उसके पहले संगीत रागी बहुत देर से उंगली उठा। नहीं नहीं, मैं जवाब दे दूं उसके बाद। ठीक है, संगीत जी आपके मित्र हैं। मैंने तीन सवाल जवाब दे दीजिएगा, त्रिवेदी जी से पूछा है, जवाब दे दीजिए, आप ही जवाब सवाल है, त्रिवेदी जी ने नहीं दिया है। सवाल तो जी आप ही, संगीत जी का भी आप ही से सवाल है, वो कह रहे हैं मेरा सवाल भी सुन लीजिए, इकट्ठे जवाब दे दीजिए, इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। बोलिए, कांग्रेस नेता से ज्यादा सवाल तो आशुतोष से हो रहे हैं। बोलिए संगीत रागी, पूछिए सवाल। देखिए, मैं तो आशुतोष को आशुतोष ही जानता हूं, लेकिन पहली बार आशुतोष को जब इन्होंने चुनाव लड़ा तब मुझे लगा कि ये आशुतोष गुप्ता हैं। अब मैं नहीं जानता इन्होंने जानबूझ करके किया था या एक खास जाति के वोट को ग्रैब करने के लिए किया था, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पहली बार मुझे ये जानकारी में आई। दूसरी बात, देखिए, संघ के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, संघ का कोई मैं प्रवक्ता भी नहीं, लेकिन मैं एक चीज मैं बता सकता हूं, जितना संघ ने दलितों, भारत के अंदर कोई दलित नहीं है, राम और कृष्ण का वंशज कोई दलित नहीं है, हम सब मानव हैं और हिंदू समाज के एकदम अंग हैं, उसी के रूप में हम सबको देखते हैं, उससे अलग संघ किसी को नहीं देखता है और उसी अनुसार से सामाजिक जीवन में संघ काम भी करता है। सर, आप तीसरी बात, सवाल पूछना चाह रहे थे। नहीं, तीसरी बात मुसलमानों को लेकर के जो आपकी टिप्पणी है, आप दलितों के सबसे बड़े नेता अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट में अंतिम भाषण दिया था, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मुगलों तक उस सारी परंपरा को आउटसाइडर के रूप में, इन्वाइडर्स के रूप में रेखांकित किया है। सर, ये आप भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, हम भी पढ़े होते जानते। मेरा एक सवाल, जो लोग इस भारत के हैं उनके साथ तो हमारी श्रद्धा है, जो लोग भारत के अतिरिक्त अरब की तरफ देखते हैं उनके साथ ना आज सर, लेकिन मेरा सवाल ये है, हाथरस में जिस बच्ची के साथ ये वाकया हुआ, बाड़मेर में जिस बच्ची के साथ ये वाकया हुआ, बारा में जिन बच्चियों के साथ ये वाकया हुआ, सिरोही में जिन बच्चों के साथ वाकया हुआ, सर इनका कोई अरब में नहीं है, ये सब यहीं की लड़कियां हैं, इनको यहीं की सरकारों से इंसाफ चाहिए, ये यहीं की सरकारों की तरफ उम्मीद से देख रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे सिर्फ आपत्ति इस बात के लिए है कि आशुतोष भी पहला दिन जाकर के ही ये निष्कर्ष निकाल ले रहे हैं कि ऐसी ही घटना हुई। ठीक है,
यही सत्य है। ओके, वो उनको एसआईटी पर विश्वास नहीं ओके, है, ओके, इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास नहीं ओके, है। आशुतोष जवाब दे रहे हैं, उसके बाद प्रताप जी से लास्ट कमेंट लेंगे, जल्दी से फटाफट। आशुतोष, आशुतोष कर रहे हैं वही सही है और उसे बस, मैं आशुतोष बोलिए, मैंने छोटा रखिएगा प्लीज। तीन बुनियादी सवाल मैंने पूछे, उन बुनियादी सवालों के जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी ने नहीं दिए और मुझे अफसोस है इस बात का। पहला सवाल, कठुआ में बलात्कारियों के साथ खड़े हुए व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनाया गया? दूसरा सवाल, अरब महिलाओं के बारे में भयानक टिप्पणी करने वाले तेजस्वी सूर्या को इन्होंने प्रमोट करके युवा मोर्चा का अध्यक्ष कैसे बनाया? गांधी जी के बारे में गलत टिप्पणी करने वाले कतील को इन्होंने कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष कैसे बनाया? ये लोग हैं, इसका मतलब है ये मुस्लिम विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, महिलाओं को धर्म के आधार पे देखते हैं, दलित अगर है तो इनकी सेंसिटिविटी नहीं बड़ी ना उम्मीदी हुई। 12 की बाड़मेर की बच्चियों के इंसाफ के लिए आपके मुंह से मैं एक शब्द नहीं सुन पाया, आप तेजस्वी सूर्या में उलझे रहे। एक मिनट, ठीक सर, कठुआ का जो मामला अब खत्म हो चुका, आप वहां अटके रहे, लेकिन जिन बच्चियों के साथ रेप अभी हुआ उनके एक अक्षर नहीं बोला। बलरामपुर के बारे में बोलिए, आप बलात्कारी का धर्म और जाति देख कर प्रतिक्रिया करते हैं, भयानक कल्पना है, आप बलात्कारी का धर्म और जाति देख कर प्रतिक्रिया करते हैं। संगीत रागी साहब याद हो रहा है, क्यों नहीं बोल रहे, बोलिए। आशुतोष जी और सुधांशु जी प्लीज थोड़ा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, पानी पीजिए। मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, सर मैं प्रताप जी से कमेंट ले लूं, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ना चाहिए, गुस्सा उनको आना चाहिए, सरकार उनकी है, सवालों के घेरे में वो है।